जी, मेरा नाम नेहा है। मैं इंडिया में हैदराबाद में रहती हूँ। तो यहाँ पर दुबई में एजेंट के ज़रिए, दुबई में यहाँ पर रही मैं, आके 3 महीने होता है। यहाँ पर काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस ऐसे 1 महीना ऑफिस में थी, उसके बाद काम लगा। 2-3 जगह काम करी मैं, पैसे नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए। 1 महीना होता, सैलरी नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए। यहाँ पर बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत मुश्किल है। यहाँ पर बस खाना नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं। बस आप लोगों से मदद मांगना चाहती हूँ। लोग बोल रहे कि 1 लाख दियो, मेरा पासपोर्ट ले लिए, मेरा मोबाइल फ़ोन ले लिए, मेरा फैमिली से भी बात करने नहीं दे रहे थे। लोग बहुत टॉर्चर कर रहे थे, खाना भी सही से नहीं दे रहे थे, बराबर से नहीं दे रहे थे खाना पानी। बस ऐसे ये वो बातें कर रहे थे। पर मैं वहाँ से निकल के कंप्लेंट करी तो लोग कुछ भी नहीं बोले वहाँ पर। फिर इंडिया एम्बेसी गई मैं, तो लोग ये वाइट पासपोर्ट बनाओ, वो बनाओ बोल के बोले बनाए, पर कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ पर भी। बस यहाँ पर खाना नहीं, पानी नहीं, बस ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पर तबीयत भी ख़राब हो रही है घर पे। मम्मी की भी तबीयत ख़राब है हमारे। मम्मी का भी फिक्सा वो ही है, सब आ रहे। मम्मी को भी तबीयत बहुत ख़राब है, मम्मी की भी। बस आप लोगों से मदद मांगना चाहती हूँ। मैं सरफराज मैंने बुलावा नहीं कर रही थी, उनके तरिए यहाँ पर रही हूँ। बहुत कोशिश कर रहे थे लाने की, वहाँ पर पैसों के लिए ज़रूरत थी तो उन्होंने पैसे दिए थे मेरे लिए। वो ये सब अलहमदिल्ला उन्होंने कराए। मैं यहाँ पर हैदराबाद में हूँ, मेरे घर पे मम्मी लोगों के साथ। अलहमदिल्ला शुक्र है उनका, शुक्र एहसान करती हूँ मैं। यहाँ तक बुलाए मेरे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी की जानिब से एक नेहा जो है दुबई में जाके फंस गए थे इन्हों 4 महीने से, और तकरीबन 15 दिन से खाना नहीं खाए थे ना, और रो के इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जो हमारे बड़े भाई 7hash News के जो है चेयरमैन है हकीम साहब, उनके चैनल पे इनका वीडियो देखे। कोई देख के कनाडा से एक भाई जो है मेरे को भेजे, और मेरे फ्रेंड दोस्तों के पास इनका वीडियो दुबई को भेजा, और वहाँ के गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी के जो है जिम्मेदारान फौरी तौर पर कार्रवाई में आए। आके जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान से 12 से 15 दिन के अंदर बच्ची को जो है यहाँ पे मल्लेपल्ली अफजल सागर में, बच्ची आपके सामने यहाँ पे दिख रही है जिसका नाम नेहा है। क्या हुआ मैं आपके साथ बोलिए। गुलामान चैनल पे इनका वीडियो देखे, कोई देख के कनाडा से भाई जो है मेरे को भेजे, और मेरे फ्रेंड दोस्तों के पास इनका वीडियो दुबई को भेजा, और वहाँ के गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी के जो है जिम्मेदारान फौरी तौर पर कार्रवाई में आए। आके जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान से 12 से 15 दिन के अंदर बच्ची को जो है यहाँ पे मल्लेपल्ली अफजल सागर में, बच्ची आपके सामने यहाँ पे दिख रही है जिसका नाम नेहा है। क्या हुआ मैं आपके साथ बोलिए। गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी आप यहाँ तक हैदराबाद तक बहुत उनके जरिए बस शुक्रिया अदा करिए। आप शुक्रिया आपका भी कि आप हमारे से खिदमत लिए। हम यकीनन गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी हर वक्त आवाम के दरमियान में रहती है, हम बेहद शुक्रगुजार हैं। और वहाँ से आने का कोई आपको तकलीफ नहीं हुई। एमिरेट्स फ्लाइट्स में आए आप, और जो सऊदी दुबई की सुबह में महंगी फ्लाइट है वो फ्लाइट में एमिरेट्स में आए आप वहाँ खाना पीने का भी इंतजाम करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नेहा है। सरफराज भाई गुलामा ने कमेटी उन्होंने बहुत हेल्प की है। यहाँ पर 500-400 दिरहम ऐसा दिए हैं, पैसों की जरूरत थी तो कुछ इंडिया आने की हेल्प कर रहे हैं उन्होंने। पैसे की कमी थी तो पैसे दिए उन्होंने यहाँ पर कल आके, कुछ पेपरों के लिए भी वो कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत परेशान थी मैं। यहाँ पर गुलाम मुस्तफ़ा ने, सरफराज भाई ने बहुत हेल्प की है मेरी, हर चीज़ से वो कर रहे हैं। यहाँ पर उनके भाई लोग भी रहते तो उनके भाई लोग को बोल के हेल्प करा रहे मेरी, हर पेपर्स के लिए, हर चीज़ के लिए, खाने पीने के लिए। वो टिकट का भी इंतज़ाम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्र अदा करती हूँ मैं, बहुत हेल्प कर रहे हैं सरफराज भाई ने। उनके भाई लोग यहाँ पर रहती हूँ मैं, उन्होंने इतना मेरे लिए हेल्प कर रहे, पैसों की ऐसी ज़रूरत पड़ी पर दे रहे, और टिकट का भी उन्होंने इंशाल्लाह कर रहे, टिकट का भी हर चीज़ उन्होंने कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्र अदा करती हूँ।